सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी वाइकिंग्स वैलहेला की सीरीज एपिसोड 4 के साथ। और दोस्तों, इस एपिसोड में फाइनली हमारे वाइकिंग सेक्शंस पर अटैक कर देते हैं और लीफ की स्ट्रेटजी सही में सुनने वाली है। दोस्तों, वीडियो को पक्का पूरा देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हेरल्ड और लीफ ब्रिज पर जासूसी करके आते हैं, तो हेरल्ड वापस आकर बताता है कि उन लोगों ने ब्रिज पर साउथ की तरफ बहुत आर्मी रखी हुई है, इसलिए हम वहां से अटैक नहीं कर सकते। और हेरल्ड बताता है कि अब लंदन पर हम एक ही तरह से कॉन्कर कर सकते हैं, वो है एडमंड को अपने कब्जे में लेना। और फिर लीफ सबको अपना प्लान बताता है, जो कि ब्रिज पर अटैक करने का होता है, क्योंकि लीफ ने देखा था कि ब्रिज ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और ओलाफ कहता है कि ये बेकार प्लान है। लीफ कहता है कि ये इजी नहीं होगा, इसलिए वो ये चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। फिर हमको दिखाते हैं कि एडमंड स्ट्रियोना को अपना प्लान बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें बदले में मर्सिया की जमीन बढ़ा कर दूंगा। और फिर दिखाते हैं कि कनूट लीव के पास आता है और उसका प्लान मानने को तैयार हो जाता है। और अगले दिन सभी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर हमको दिखाते हैं कि रात को कुछ वाइकिंग्स चुपके से लीफ और हेरल्ड के साथ ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं और वो ब्रिज पर चढ़ जाते हैं और सैक्सन्स को कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि अगले दिन ओलाफ सबके सामने से अपनी बोट्स लेकर कुछ आ जाता है, लेकिन वो अपनी बोट को ब्रिज से एक दूरी पर लाकर रोक देता है। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि कनूट दूसरी तरफ से अपनी बाकी सेना को लेकर सामने किले के आ जाता है। फिर हमको दिखाते हैं कि जो जो वाइकिंग्स पुल के नीचे होते हैं, यानी हेरल्ड और लीव के साथ जो रात को वहां पर आए थे, वो नीचे से पुल को तोड़ने लग जाते हैं। उसके बाद कनूट एडमंड से बात करने जाता है और एडमंड को एमा ने इंस्ट्रक्शंस दी होती है कि तू बिल्कुल भी किले के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एडमंड अभी ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। उसके बाद कनूट एडमंड की बहुत बेइज्जती करता है, जिससे एडमंड भड़क जाता है और युद्ध करने नीचे आ जाता है। और ये बिल्कुल लीफ के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि एडमंड अपनी वॉर जीत रहा होता है और एक सैनिक एमा को आके कहता है कि हम युद्ध जीत रहे हैं, और एमा कहती है शायद। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि कनूट सबको रिट्रीट करने को कहता है और नीचे से सभी वाइकिंग्स पुल को पूरा तोड़ने में लगे होते हैं। उसके बाद एडमंड कनूट को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और एमा जल्दी से गॉडविन को कहती है कि एडमंड को ऊपर ले आओ, क्योंकि ये एक चाल है। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि पुल के नीचे के वाइकिंग्स, यानी हेरल्ड, लीफ और बाकी सब पुल पर रस्सी बांधकर ओलाफ की शिप पर तीर से भेज देते हैं। उसके बाद ओलाफ की सेना रस्सियों से पुल को खींचती है, जिससे पुल टूटना शुरू हो जाता है। एमा को पुल के नीचे की वाइकिंग्स की लोकेशन पता लग जाती है और वो उन पर अटैक करवाना शुरू कर देती है। कनूट एडमंड को अपने पीछे भगाते भगाते पुल से दूर ले जाता है, जहां पर वो एक जगह रुकता है और अपनी बाकी की सेना, जो कि वहीं पर किसी जगह पर छुपी होती है, उस सभी को निकाल लेता है। गॉडविन एडमंड के पास आकर कहता है कि ये एक चाल है, और एडमंड जल्दी से किले की तरफ भागना शुरू कर देता है। लीफ अपनी पूरी जान लगाकर पुल को तोड़ रहा होता है और पुल टूट भी जाता है और एडमंड किले तक पहुंच नहीं पाता। इसके बाद हमको दिखाते हैं कि स्ट्रियोना अपनी मर्सिया की सेना लेकर किले की तरफ आ रहा होता है और वो दूर से ही देख लेता है कि एडमंड हार रहा है, तो वहीं से वापस पीछे मुड़ जाता है। और यहाँ पर वाइकिंग्स की जीत हो जाती है और ओलाफ भी लीफ के प्लान को मान जाता है। एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। Late nights in the middle of June, he was best.